हेलो गाइस, मेरा नाम कमलेश मंडल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक रीओपन। सो गाइस, आज बात करेंगे डीसी करंट। और सो गाइस, डीसी करंट इन्वेंशन किया था निकोला टेस्ला और डीसी करंट इन्वेंशन किया था थॉमस एडिशन। जो मेरे पास जो है एक ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर के सहारे से क्या होता है ना, इसी करंट को बूस्टअप कर सकते हैं, नहीं तो इसी करंट को स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसी से स्टेप अप भी होता है एसी करंट और स्टेप डाउन भी होता है। लेकिन जो डीसी करंट होते हैं, तो डीसी करंट को बूस्टअप करने के लिए हम लोगों को चाहिए ये बूस्टर सर्किट मॉड्यूल। तो इसी से क्या होते हैं, डीसी हाई वोल्टेज में हो जाते हैं, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। तो गाइस, हम लोग ये मॉड्यूल नहीं बनाएगा, हम लोग बनाएगा एक डीसी बूस्टर सर्किट और देखेगा कैसे डीसी करंट। तो गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ इधर, वो क्या है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है एसी करंट का, ये काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस से। और इधर जो ये डीसी बूस्टर सर्किट है जिससे डीसी स्टेप अप होता है, तो ये भी काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्टेंस प्रोसेस से। चलिए गाइस, देखते कैसे काम करते और हम लोग कैसे बना पाते डीसी बूस्टर सर्किट बनाने के लिए हम लोग चाहिए एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक डायोड। देख सकते 35 वोल्ट एंड 220 माइक्रो फैराड और ये इंडक्टर है और ये एक डायोड IN 1007। सो फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो इंडक्टर है ये डायोड का पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। ये मैंने कनेक्ट कर लिया डायोड का। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है प्लस और ये होता है ये माइनस, तो ये प्लस को इधर कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको कनेक्ट कर लिया, तो अब लोग सर्किट अच्छे से देख सकते हैं। ये जो डायोड है, जो डायोड और जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है, मैंने ऐसे कनेक्ट किया। अभी मैंने ऐसे एक वायर लिया, इसको कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के साथ। तो इस मेरा बन गया ऐसे एक सर्किट। और इधर क्या है, यह मैंने एक स्विच जैसा बनाएगा, मैंने इधर और एक लगाया, इसको इधर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे एडजस्ट किया इसको और इसको स्विच जैसा बन गया इसको। ये गाइस कुछ नहीं है, इससे ऐसे जो एक होगा इसको ये होगा, टच होगा। गाइस मैंने जो एक बैटरी लिया इसका, इसके बाद एक बैटरी चाहिए जो डीसी करंट बूस्ट अप करेगा। तो ये जो बैटरी लिया 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी, तो इसको मैंने मेजर करके दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज है इस पर। ये मल्टीमीटर और इसमें मैंने सेट किया 20 डीसी 20 वोल्टेज में। ये जो है ये देखिए 4.13 वोल्ट डीसी। तो ये हो गया बैटरी का प्लस और ये हो गया बैटरी का
माइनस, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। जो प्लस है तो उसको मैंने कनेक्ट के कंडक्ट इंजेक्टर का इस पॉइंट के साथ, और जो माइनस है वो कनेक्ट करेगा इस पॉइंट के साथ। तो इस मैंने सर्किट का दे दिया पिक्चर, तो आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलेगा जे नहीं हो रहा है। तो ये कोई एक नहीं है, फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो देखिए मैंने ऐसे सर्किट बनाया, देख सकते हैं गाइस, ऐसे देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये जो वायर है इसके साथ मैंने कनेक्ट किया। अभी मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। जो मल्टीमीटर है मैंने कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो मल्टीमीटर का प्लस है और इसको माइनस के साथ कनेक्ट किया है मैंने। ये जो प्लस है तो ये मैं कैपेसिटर का इधर प्लस में प्लस, और जो माइनस है ये देखिए मैंने कनेक्ट किया है, ये ऐसे कनेक्ट किया मैंने। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं पूरा। देखिए गाइस ये जो है, पहले इसको मैंने कैपेसिटर को जो वोल्टेज इसको शॉर्ट कर देते हैं एक वायर से। मैंने एक वायर से तो ये मैंने शॉर्ट किया और इसमें आ गया वोल्टेज 3.88, जो बैटरी का ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी इसको कैसे इंक्रीज करेगा देख लेते हैं। ये जो स्विच है मैंने कि जस्ट इसको एक बार कंटिन्यू ये करते रहेगा। देखिए गाइस वो वोल्टेज बढ़ रहा है कितना, जितना मैं जल्दी करेगा उस उतना वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये 20 से ऊपर चला गया और मैंने इसको 200 में डाल दिया डीसी। देखिए डीसी 200 वोल्टेज में डाल दिया और देखिए इसका वोल्टेज 23 वोल्टेज हो गया। तो गाइस ये कोई फेक नहीं है, तो अब जितना स्विचिंग करेगा तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। देखिए और मैं इसको ये करके दिखाते हुए इसको स्पार्क करके, देखिए गाइस कितना ज़्यादा वोल्टेज था। तो ठीक है और भी मैंने इसको ये कर रहा हूँ, इसको इंक्रीज कर रहा हूँ 30 वोल्टेज तक। ठीक है ये जो वोल्टेज देखिए वो इंक्रीज हो रहा है ना, स्विचिंग कर रहा है इसको। ठीक है इतना वोल्टेज हो गया, मैं फिर इसको एक बार शॉर्ट करके आपको दिखा दो कितना वोल्टेज ज़्यादा हो गया। ओ गाइस और स्पार्क आ रहा है और स्पार्क के साथ साथ देख लेगा वोल्टेज भी डाउन हो गया। तो गाइस ये था आज का एक्सपेरिमेंट और आप लोग घर में भी बना सकते हैं डीसी बूस्टर सर्किट। कोई फेक नहीं है और एक ओरिजिनल है, वोल्टेज कैसे इंक्रीज होता है डीसी वोल्टेज का। तो देखिएगा इसे स्पार्क होगा, ये है नेगेटिव। देखिएगा इस तो बहुत जोर से स्पार्क हो रहा है और ऐसे तो हम लोग बना सकते हैं एक डीसी बूस्टर सर्किट। तो गाइज थैंक यू, और जो लोग मेरा चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए।